बोकारो और धनबाद जिले के लाइफलाइन दामोदर नदी स्थित बिरसा पुल मरम्मती काम चल रहा है, जिसके कारण पुल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। लेकिन विकल्प रास्ता नहीं होने के कारण हजारों राहगीरों व ग्रामीणों को परेशानियां हो रही है। परेशानियों को देखते हुए 17 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष सर चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी बिरसा पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जनता प्रतिपक्ष पुल के आवागमन के बंद होने से लोगों की परेशानी देखकर बोकारो जिले के DC और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन कर अविलंब बंद किया हुआ बिरसा पुल को दोपहिया वाहनों को चालू कराने का दिशा निर्देश दिया गया था। साथ ही संवेदक के कार्य को की उदासीनता को देखकर संबंधित कार्य एजेंसी के कार्यपालक अभियंता और अन्य अधिकारियों को भी फोन से जमकर फटकार लगाया गया। कथा सच हो आप से हमरा धनबाद। अच्छा हाँ। तो बिरसा पुल है हाइट हाइट पर है क्या पेरा लो केना पर ले हाइट की कर में कष्ट तो पुल भंगे छे। अच्छा हाँ। तो लोग ले बोल छे से तुम तो रास्ता भी वेग बैंक भी कोनो बोल छे ना किसी बोल नहीं किसी ने बोले ना हाइट हाइट में कष्ट हो छे तुम। हां कष्ट पूरा हो छे की जाय छे तुम। हां हमरा रास्ता चाहिए छे। हां रास्ता ले भलो होतो। हां भलो होतो। देखिए हम सभी आदरणीय विधायक जी के साथ में 17 तारीख को इस बिरसा पुल पे निरीक्षण के लिए आए थे। उनका सख्त निर्देश था अधिकारियों को कि यथाशीघ्र पुल पर कम से कम दोपहिया वाहन का परिचालन सुनिश्चित किया जाए। पदाधिकारीगण जिनसे बात हुई थी, JA और SDO साहब थे, उनसे बात हुई थी कि हाँ दो चार दिनों में ही दोपहिया वाहन का परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा देख करके आज तो लग रहा है कि थोड़ा काम में स्पीड हुआ है, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी वो दिखती नहीं है। ऐसे में आप लोग किसी अधिकारी से बात किए और कितना दिन लग सकता है? अभी जो बात हुई है JA साहब से, उनका कहना है कि बहुत जल्द दोपहिया वाहन के लिए हम लोग खोल देंगे। जल्द मतलब एक सप्ताह लग सकता है।